साहिवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर ई लाइब्रेरी साहिवाल में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ चर्चेज की जानिब से आज़ाद राय की आड़ में मुसलमानों के मजहबी त्यौहार ईद उल अज़हा 2023 के मौका पर एक मर्तदा मलहद के हाथों स्वीडन में कुरान मजीद को नजर आतिश करने के मज़मून हरकत और मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूर करने और एहतजाज के दौरान मसीही कौम की मुकदस अलामत सलीब की बेहरमती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान काउंसिल ऑफ चर्चेज के चेयरमैन पादरी नवीद काशिफ ने की। मकर्ररीन में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ चर्चेज के सेक्रेटरी जनरल बिशप वसीम अंजम भट्टी, मुत्तहिदा आलमी उलमा काउंसिल के चेयरमैन पीर हसन नईम मुस्तफ़ा चिश्ती, रोमन कैथलिक चर्च के पैरिश प्रीस्ट फादर नदीम जोसेफ, जामे दारुल उलूम के मोहतरम मुफ्ती जहूर अहमद और नायब मोहतरम मुफ्ती सहेल शौकत थे, जिन्होंने मौजू के मुताबिक सैर हासिल गुफ्तगू की और मजहबी अमन अमान कायम रखने के लिए मुश्तरक लाहे अमल पर इत्तफाक किया।